कोरोना संकट के बीच देश में चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा बढ़ गया है। चक्रवात अम्फान अब बंगाल और ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल चक्रवात की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार शाम को सुपर साइक्लोन में बदल गया है। फिलहाल यह दीघा से करीब 1000 किलोमीटर दूर है, जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यह चक्रवात कल सुबह भीषण तबाही मचा सकता है। इस बीच तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें गृह मंत्रालय और एनडीएमए के कई अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्यों को हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया है। अगले कुछ घंटे में ये तूफान और खतरनाक रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि तूफान की रफ्तार 220 किलोमीटर घंटे तक रह सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक ये तूफान और भी खतरनाक हो गया है। हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पहले हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जैसे ही यह तट के और करीब पहुंचेगा, इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसी दौरान यह अति भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेगा। इस दौरान तकरीबन 12 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। इस वक्त चक्रवाती तूफान अम्फन बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी हिस्से में है। ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 20 मई को दोपहर और शाम के बीच पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया द्वीप के बीच तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान अम्फन के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई। ओडिशा में इस तूफान से प्रभावित होने वाले तकरीबन 11 लाख लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। स्काई मेट वेदर के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तूफान अम्फान 19 मई की रात या 20 मई की सुबह पश्चिम बंगाल और इससे सटे ओडिशा के पास लैंडफॉल कर सकता है। अनुमान है कि तूफान कोलकाता के दक्षिण पूर्व से होकर गुजरेगा। इसके चलते न सिर्फ बंगाल के तटीय भागों में बल्कि ओडिशा के तटीय इलाकों में भी भीषण बारिश देखने को मिलेगी। मौजूदा समय भारत के पूर्वी तटों पर, खासतौर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के तटीय इलाकों में सतर्क होने का समय है। इस संबंध में चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम हो। इसका सबसे ज्यादा असर बंगाल तथा ओडिशा के क्षेत्रों में होने के आसार है। ऐसे में आने वाला समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अलावे पूर्वी तटवर्ती राज्यों में ये तूफान मुश्किलें पैदा कर सकता है। साथ ही इसकी वजह से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने, मेघ गर्जना और तेज हवाएं चल सकती है।